हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार वासन। फ्रेंड्स, यूपी जीएनएम एनएम का एडमिशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से भरे जा रहे हैं और ये लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई तक है, यानी 31 जुलाई के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल के लिए 200 रुपये, ओबीसी एससी एसटी के लिए 100 रुपये है। सिलेक्शन इसका मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट बेस्ड का मतलब है कि 10वीं 12वीं का परसेंटेज जोड़कर उसको 2 से भाग देने पर जितना परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज को एक मेरिट में कन्वर्ट किया जाएगा। उस मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा सबको। और टोटल सीट जीएनएम के लिए 453 सीट है और एनएम के लिए 1800 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जीएनएम के लिए साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स से हो चाहे बायोलॉजी से हो, लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि उनके 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। एएनएम के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम्स के हों, चाहे साइंस के हों चाहे आर्ट्स के हों। और इनके लिए जो परसेंटेज मांगा है, यानी एएनएम के लिए परसेंटेज जो मांगा है वो पूरे 10+2 के पूरे सिलेबस से मांगा है, यानी पूरे सिलेबस को मिला के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए 10+2 के पूरे सिलेबस में। और जीएनएम में क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ 12th के इंग्लिश में 40% मार्क्स होना चाहिए। कॉलेज लिस्ट, इसमें जितने भी कॉलेज हैं सभी गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं। अगर आपकी मेरिट बनती है तो आपको सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। ये जीएनएम के लिए कॉलेज लिस्ट है और ये यूपी एएनएम के लिए कॉलेज लिस्ट है।